क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 9 पर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है अनुक्रम श्रेणी। इसके अंदर जो गुणोत्तर श्रेणी टॉपिक है उसको पढ़ा रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 9F के क्वेश्चन नंबर 20 है। एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपए है 20% वार्षिक दर से अवमूल्यित होती है। अवमूल्यित होने का मतलब है घटती है। तो 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में हमें जो मूल्य दे रखा है 15,625 है और जो ये अवमूल्यित दर है, अवमूल्यित दर वो दे रखी 20%। तो एक साल बाद निकालेंगे विसर्जन कितना होगा। P = P + PRT/100 ठीक है। तो यहाँ से हमने P कॉमन ले लिया, 1 + RT/100 आ जाएगा। P की जगह लिखेंगे 15,625 और 1 और ये R की वैल्यू क्योंकि अवमूल्यित दर है तो -20 लिखा जाएगा। तो यहाँ -20 लिख देंगे और ये आ जाएगा 15,625 × 80/100। ये इसकी पहले साल का अमाउंट आ गया। अब 2 वर्ष बाद में मिश्रधन 15,625 × 80/100 ये मूलधन का काम करेगा अगले स्टेप में। तो इसमें यही फार्मूला चलगा, P की वैल्यू अपनी लगी पूरी टोटल, फिर P की वैल्यू, फिर R, फिर P, क्योंकि एक साल पढ़िया, एक साल के बाद में अगला साल को ऊपर लिया लिखा जाएगा 100। फिर इसमें से हमने 15,625 × 80/100 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 ± −, यहाँ बच गया 20/100। 15,625 × 80/100 ये सोल्व करने आ जाएगा 80/100। 15,625 × 80/100 तो हमारी जो जीपी बनेगी 1 ईयर एक साल बाद में अमाउंट होगा इतना, 2 साल बाद अमाउंट होगा इतना, 3 साल बाद अमाउंट होगा इतना, ये बन गई हमारी जीपी। ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ 15,625 × 80/100। आर की वैल्यू लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 80/100। तो हमें निकालना 5 साल बाद में इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो 5वां पद निकाल लेंगे, ए आर की पावर 5 − 1, ए का मान दे देंगे 15,625 × 80/100 और आर की वैल्यू रख देंगे 80/100, 5 − 1। तो 80/100 तो यहाँ पहले से अवेलेबल है और 80/100 की पावर ये हो जाएगी 4। तो 4 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, पावर हो जाएगी 5। फिर इसको 15,625 × 80/100 5 पद लिख दिया, इसको काट दिया और इसको कैलकुलेट करके आ गया 5,120 रुपये। तो इसका मतलब 5 साल बाद उस मशीन की जो कीमत होगी वो 5,120 रुपये होगी। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी।